प्रकरण को अंजाम दिया गया। मुझे मेरे पिता जयचंद वर्मा, मेरे बड़े पिता प्रेमचंद वर्मा, वीनस जायसवाल और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र करके मुझे अपने पैतृक घर जो कि किठूरी मुंडेरा बाजार में स्थित है वहां पर बुलाया गया। और जब मैं 24 दिसंबर 2022 को वहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि पहले से ही वहां पर वीनस जायसवाल, प्रेमचंद वर्मा और जयचंद वर्मा मौजूद थे। वह एक अज्ञात व्यक्ति था जिसे मैं पहचान लूंगी बट मुझे उसका नाम नहीं पता है। इसके बाद मुझे चाकू दिखा करके डरा धमका करके मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। जब मैं वहां से उठी तो मुझे बोला गया कि भाग जाओ यहां से, अन्यथा अगर दोबारा यहां पे आई तो तुम्हारे इससे भी बुरी हालत करेंगे और तुम्हारी हत्या करके ही भेजेंगे। वीनस जायसवाल जो कि काफी सातिर किस्म का इंसान है, वह मेरा खुद का कलयुगी पिता जिसको मुझे पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। इस प्रकरण के बाद 24 तारीख की डेट में ही मैंने ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, परंतु मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने इसके लिए एक IGRS भी डाला था जिसके प्रकरण में मुझे कोई भी मदद नहीं किया गया। हार के मुझे 156-3 न्यायालय में दाखिल करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि फिर इस धरती पे किसी और बेटी के साथ कोई बाप इतनी दरिंदगी कर पाए। इस वजह से मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ी। तकरीबन 7 महीने हो गए हादसे को, अब जाकर के मेरा मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है, परंतु अभी भी वो सभी आरोपी जितने भी हैं वो सब सरेआम घूम रहे हैं। मैं न्यूज चैनल से ये दरखास्त करती हूँ कि मेरे निवेदन को स्वीकार करके उन मुजलिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि शारीरिक रूप से तो मेरे को इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा और अब मैं मानसिक रूप से भी धीरे धीरे खोखली होती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारे देश में अन्याय काफी बढ़ रहा है और अन्याय की सजा देने वालों की संख्या घट रही है। क्या हुआ था मैम, क्या है पूरा मामला, अगर एक बारी आप ब्रीफ कर दें तो हम अपने दर्द। ये ना ट्रैप था 23 दिसंबर को। ओके। को ट्रैप करके पुश्तैनी घर यानी जो दादाजी का घर था वहाँ बुलाया गया। किसने बुलाया आपको? मेरे खुद के फादर। आपके खुद के फादर ने? हाँ। ओके। मेरे बड़े पापा, मेरे पापा और उनके दो दोस्त। ओके। लाइक उसके बाद मैं 24 को पहुंची दोपहर 2 बजे। ठीक है। पुश्तैनी घर पे। तो मेरे को बोला कि चलो घर के अंदर बात करते हैं, सामान दे देते हैं, कुछ ले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता था ना कि इतनी दरिंदगी हवानियत भर रखी है सामने वाले के दिल में। तो मैं बाहर वाले रूम में गई, देन उन्होंने ना रूम लॉक कर दिया एंड मेरे को गाली देने लगे। तो किसने गाली देना शुरू किया आपको? वीनस जायसवाल। ये कौन? बड़े पापा। आपके बड़े पापा? ठीक है। नहीं, वीनस जायसवाल और बड़े पापा दोनों लोग गाली देने लगे। वीनस जायसवाल बड़े पापा के फ्रेंड है। ओके। तो मैं ना रोने लगी एंड मतलब मैं बोलने लगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वीनस जायसवाल ना छेड़खानी भी करने लगा। देन आई ट्राइड लाइक मतलब मैं हाथ पैर जोड़ने लगी तो ना फिर मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई, लाइक मैं ना रोने लगी चिल्लाने लगी। तो वीनस जायसवाल ने ना चाकू निकाला एंड फिर मेरे को डराया कि यहाँ पे तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है और मतलब थाना तो ऑलरेडी हमारे अंदर में है, मैं ज्यादा बोलूंगी या फिर सुन मुझाओगी तो मैं मार दूंगा तुमको। देन आई जस्ट थॉट कि तो ये जो पुश्तैनी घर था उसमें महिलाएं नहीं थी आपके यहाँ? उस वक्त मेरे को नहीं पता कौन था कौन नहीं था। फिलहाल बाहर वाले कमरे में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। घर के अंदर मैं नहीं गई थी बिकॉज जो बाहर वाला रूम है ना वो आप जैसे ही चैनल खोल के एंट्री करोगे ना बाहर से एक दरवाजा है, ठीक है, और वो पहले 2 रूम था, दोनों रूम कम्बाइन हो गया तो वो एक सिंगल रूम बना दिया गया है, वो बाहर वाला ही रूम है अब। तो फिर बारी बारी से लाइक हाँ समझ सकता हूँ। उसके बाद ये प्रेमचंद ने ना मेरा बाल पकड़ के ना मेरे को फेंक दिया जमीन पे, लाइक मैं तो बेहोश भी हो गई। फिर जब भी मेरे को होश आया तो इन लोगों ने मेरे को बोला कि थाना तो ऑलरेडी हमारे पास पैसे हैं, थाना कुछ नहीं करेगा, इधर उधर गई तो नहीं। तो थाने के बाद क्यों आई? आपने कहा होगा ना कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, ऐसा बोला होगा? एक्चुअली
मैं थोड़ा सा होता है ना, इंसान हर कोई बोलता है ना कि हाँ उतना होने के बावजूद मेरे पास बचा ही क्या था। तो मैंने बोला बिल्कुल कि ना, मैंने बोला कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया वो तो कर लिया, बट मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मेरे को कहीं भी जाना पड़े, सीएम पीएम कहीं भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, बट तुम लोगों की करने की सजा मैं तुम्हें दिला के रहूंगी। ठीक है मैंने जस्ट टोल्ड की किसी को बताओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, कोई शादी नहीं करेगा, इंसाना तो हमने ऑलरेडी हमारे तो अंडर में आपके है। तो फादर ने और आपके बड़े फादर ने और उनके दो दोस्तों ने मिलकर साथ आपके साथ जो कुछ भी किया दुष्कर्म किया, तो इसमें ऐसा नौबत क्यों आई, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्लियरली, मैम बट एकले मेरा है क्या फादर, कि मेरे कोई जो कुछ ना कुछ फादर तो हैं, ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसी बातें मैं होंगी? बता रही हूँ, जो मेरे फादर हैं उनका अफेयर है बड़ी मम्मा से, ठीक ठीक है है। तो दादा दादी के जाने के बाद, लाइक दादा दादी की मेरी डेथ ना एक ही महीने के अंदर पे हुई थी, लाइक नवंबर में दादा जी खत्म हुए और जनवरी में ही दादी खत्म हो गई मेरी। आपकी मदर कहाँ रहती हैं? तो सुनिए ना स्टोरी तो मैं बता रही। उसके हाँ बाद इन लोगों ने क्या किया, इनका कहना था कि जिन्होंने शादी की थी वो खत्म हो गए, अब हमें तुमसे लेना देना नहीं है। तो इन लोगों ने ना हमें, मम्मा को, भाई को, बहन को घर से निकाल दिया। अच्छा 3 साल से ये लोग अलग रह रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोग, अब ये हो गया ना कि कब तक दूसरे के घर पे रहेंगे, तब तक दूसरे के घर पे रहेंगे। तो हम लोग, जो मेरे बाप ने बांसी में घर बनवाया था, हम लोग वहां पे जाके रहने लगे। तब इसको ये सताने लगा ना कि लाइक अब ये समाज की नजर में कैसे घर पे आएगा, तो क्या करेगा। उसके बाद इन लोगों को ये डर सताने लगा ना कि अब मैं, मतलब मैं, क्योंकि मैंने एडमिशन ले लिया था LLB में लास्ट ईयर, तो अब इन लोगों को ये था ना कि ये लड़ झगड़ के अपना हिस्सा ले लेगी, लड़ झगड़ की हिस्सा ले लेगी। और फिर मेरी थोड़ी सी आदत तो ऐसी है, लाइक मैं गलत होते नहीं देख पाती हूँ। ठीक है तो अब इन लोगों का ये था कि इस किसी तरह इसको तोड़ो, क्योंकि सिस्टर की ऑलरेडी मेरे PGI से दवा चल रही है, मम्मा डीप डिप्रेशन में है, बचा एक भाई, जो भाई बहन मेरे दोनों ट्विन से छोटे हैं, और मैं। तो इन लोगों ने ना मेरे को, मेरी वो कंडीशन, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस वक्त का मेरा दर्द। मैं समझ सकता हूँ। तो मैम जब इन लोगों ने आपको चैट करके बुलाया तो क्या वो चैट चैट नहीं के को किया था, हाँ चैट नहीं किया था इन्होंने, बांसी वाले घर पे ना किसी को बोल के भिजवाया था। लाइक चूंकि भाई बांसी में मेरे बाप 30 साल से थे, ओके उन्होंने भिजवाया। तो एक्चुअली मेरे को लगा ना कि ये लोग, क्या पता इनके अंदर थोड़ी इंसानियत हो जाए। मेरे को वाकई नहीं पता था कि मेरा खुद का बाप इतना बड़ा दरिंदा हो चुका है, तीन ओके साल से साथ में नहीं रह रहा है। तो समझ सकता हूँ। अपने फादर को लेकर के कोई भी नहीं समझ सकता कि मतलब इस तरीके से मेरे फादर मेरे साथ ऐसा करेंगे। और बड़े पापा का तो बिहेवियर पहले से ही ऐसा था, मतलब था ऐसा, वो सही इंसान नहीं है। लाइक 2-3 बार ही ऐसा हुआ है। तो वी जस्ट थॉट कि यार, मेरे को लगा कि ऐसा मेरी ही गलती है या फिर मैं उनको ऐसे सोच रही हूँ, बट वो चीजें ना बाद में समझ में आई। चलिए आप परेशान न होइए, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा और हमारी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। और और जो ये मुझे ये थाने का बताइए जब विवेचक है ना, ये जब मामला जब हुआ तो आप पुलिस के पास गई, तो पुलिस नहीं की तरफ से क्या कार्रवाई मैं की गई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं गई पुलिस के पास, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इन लोगों ने डरा दिया था। और हाँ, लेकिन मैं SP के पास गई थी। तो तो जब SP साहब के पास आप गए तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने उन्होंने पता है वो मैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कराई। और ओके पता है आप बिलीव नहीं करोगे, उस वक्त मैंने ये मैटर, मतलब मैं शांत रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं शांत नहीं थी। इस मैटर को मैंने काफी हाईलाइट किया SP के पास, जिसका भी कॉल जाता था पता वो क्या बोलते थे, अच्छा ये मामला तो मेरे संज्ञान में ही नहीं है। जबकि मैं खुद गई थी SP के पास, उस वक्त आशीष श्रीवास्तव थे SP। फिर अच्छा अभी कौन है एसपी तभी तो साहब? मेरे को हार मान के, अब तो चेंज हो गए, तभी मेरे को हार मान के 156(3) का सहारा लेना पड़ा ना। तो अभी जैसे जो SP और साहब हैं उनको हम लोग अगर ये करें तो आपने इनको क्या पहले से आपने दे रखा है कुछ? आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके ओके बाद लाइक जब ये हुआ 156(3), तो पहले तो जज साहब ने पता है ऑर्डर किया था कि आप इस मामले की विस्तृत जांच करके रिपोर्ट भेजो। थाने से 3 पन्ने की रिपोर्ट गई, लेकिन पीड़िता का ना उसमें बयान दर्ज हुआ ना कुछ, ठीक अच्छा है। तो ये तो विस्तृत जांच में नहीं आता सर, इतना तो आपको भी पता है। इसी बात पे तो मेरा उन्होंने अलाउ किया, 156(3) अलाउ हुआ इसी बात पे।
उसके बाद भी ये जो विवेचक है ये गोल गोल घुमा रहा है। लाइक मैंने स्ट्रक्चर से भी बात की, मैंने एसपी साहब से भी बात की, मैंने डीजीपी से भी बात की, मैंने डीजीपी कंट्रोल रूम पे भी बात की, बट स्टिल इन लोगों का पता है एक ही लाइन बोल रखा है, इन लोगों ने कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कोई कर बाप सकता, नहीं कर सकता, कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता। तो इनका कहना भी ये है कि आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, ऐसा कोई बाप कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई बेटी भी तो नहीं कर सकती कि वो अपने बाप के ऊपर इल्जाम लगा। अब आप भी तो देखो ना, अगर मेरे को अगर पता है इंसान जब झूठ बोल रहा होता ना तो कुछ ही पॉइंट पे जा करके वो रुक जाता है। मैं 156 सीन का सहारा क्यों लेती, मैं कोर्ट में क्यों जाती, मैं इतना आगे तक क्यों जाती। बिल्कुल। तो जब मैम पुलिस के पास आप गई तो पुलिस की तरफ से ये रवैया रहा, तो क्या आपको क्या लगा, मतलब अब आगे और आप तो क्या मैं आपको इसकी और बता दूं, जी 164 के बयान के लिए गई थी, ये लोग ये जो मेरा विवेचक हंस रहा था मुझ पे। ओके, किस तरीके से हंसना, मतलब कि मतलब आपने FIR करी है इस तरीके का हंसना, या फिर आपको देख के कि मतलब तो इनके मेरे साथ साथ ये हुआ है ना इसलिए हंस रहे थे ये लोग। ओके ठीक है, अभी आप हमसे क्या चाहते हैं, आप बताएं India Now 24 आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग गिरफ्तार हो। हेलो हेलो, जय हिंद सर। हाँ जय हिंद, मैं DGP सर का PSO बोल रहा हूँ, बताइए। जी सर, एक्चुअली मैं बस्ती जिले की मुंडेरवा थाना की निवासी हूँ। सर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा संख्या 151/2023, 376D का मामला है। सर अभी 4 अभियुक्त है इसमें और अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो अच्छा, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं सर, कोई जांच चल रही है क्या? सर बोलते तो थाने वाले ही हैं सर, बट 376D का मामला है, आपको भी पता है सर, वो चारों अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। तो क्या दिक्कत क्या है सर? गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं उनकी। CEO सर बैठे हैं ऑफिस में, ऑफिस में CEO सर बैठे हैं, तुरंत पहुंच के। कौन सा थाना है सर? थाना मेरा मुंडेरवा पड़ेगा। मुंडेरवा, और CEO साहब कहाँ बैठते हैं? बस्ती में। बस्ती में, आप तुरंत बस्ती पहुंचिए। सर मैं अभी सिद्धार्थ नगर में हूँ सर। क्यों सर? रहते सिद्धार्थ नगर में ही है सर। सिद्धार्थ नगर में ही रहते हैं सर। अच्छा, क्या सर मेरी मदद कर दीजिए प्लीज सर। मुकदमा संख्या 151/2023। क्या नाम है आपका? अंकिता वर्मा। थाना मुंडेरवा जी। चार अभियुक्त हैं सर, जयचंद वर्मा, प्रेमचंद वर्मा, वीनस जायसवाल, रणबीर सिंह, जिसमें से सर रणबीर सिंह का आपराधिक इतिहास भी बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा जी, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। हेलो, जय हिंद सर। DGP कंट्रोल रूम में बात हो रही है? DGP कंट्रोल रूम क्या बात हो रही है? सर मेरा नाम अंकिता वर्मा है, मैं बस्ती जिले की मुंडेरवा थाना की निवासी हूँ। सर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा संख्या 151/2023, जिसमें सर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मेरे साथ घटना हुई थी सर, मुकदमा संख्या 151/2023 है। सर 376D है, 354 का है, चारों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है सर। आपने ही लिखवाया था? जी सर। अंकिता वर्मा, थाना कौन सा बताया? मुंडेरवा। बस्ती जी सर, थाना मुंडेरवा। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं सर, चार अभियुक्त हैं, जयचंद वर्मा, प्रेमचंद वर्मा, वीनस जायसवाल, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह का आपराधिक इतिहास भी सर बहुत लंबा चौड़ा है। क्या करती हैं आप, पढ़ाई वढ़ाई करती हैं?
सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, थाने पे क्या बताया जाता है आपको? सर थाने पे सिर्फ यही बोला जाता है कि कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही हो रही है। सर कब लिखाया था ये मुकदमा? 8 जून को लिखाया गया सर। 8 जून, ठीक है ठीक है, हम थाने पे भी बताते हैं कार्रवाई कर, ठीक है। सर मैं मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो चुकी हूँ सर। नहीं यार, थोड़ा धैर्य रखिए, बताओ कार्रवाई होगी, परेशान हो। ठीक है सर, थाने पे बोल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो जी बताएं। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, बस्ती एसपी साहब से बात हो रही है। बताइए सर, एक्चुअली मेरा थाना मंडेरवा पे मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा संख्या 151/2023। और सर अभी तक आरोपी ऐसे सरेआम घूम रहे हैं, मुझे डरा धमका रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इन लोगों की। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है सर, FIR की कॉपी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है सर। मैं आपसे मदद की गुहार लगा रही हूँ सर। धाराओं में दर्ज मुकदमा। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। 3 धाराओं में दर्ज मुकदमा सर, 376D, 377, 504, 506, 323। SHO मुंडेरवा से बात हो रही है जी। मैं अंकिता बात कर रही हूँ सर। हाँ बताइए सर। 8 को मुकदमा लिखा गया, 9 को शिक्षक का बयान दिया, 10 को मेडिकल करवाया। अनफॉर्चुनेटली बीच में 2 दिन, एक दिन संडे और एक दिन मंडे, इन 2 दिनों 164 का बयान नहीं हो पाया। मैंने ट्यूसडे को 164 का बयान दिया, अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसको कार्रवाई नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया। अच्छा सर, जो आपने बताया उसको मतलब अपराधी सरेआम घूमते रहे, अपराधी सरेआम घूमते रहे। आपने जो प्रश्न किया तो सब कार्रवाई नहीं आता। अच्छा मतलब आप गिरफ्तारी नहीं कराएंगे उन लोगों की? सुनने में आ रहा है सर कि आप लोग किस बात को पारिवारिक विवाद बना रहे हैं। अरे सुनने में बहुत सारी चीजें आती, सुनने में मत विश्वास करिए, देखने में विश्वास करिए। सर एक लड़की के साथ गलत हुआ है, एक लड़की के। नहीं नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, आप क्या नाम है कि डायरी बात करिए ना, उससे सुनी सुनाई बात होगा बस बात करिए। सर एक लड़की के साथ गलत हुआ है, सर मेरी बात समझिए, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। एक लड़की के साथ गलत हुआ है, अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? कोऑपरेशन है उसमें आपको किसी ने कंफ्यूज कर दिया है, कोऑपरेशन नहीं। बस कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं पूरा होने के बाद ही गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरा हो जाती है तब गिरफ्तारी होती है। सर कब तक, कितना समय लग जाएगा औपचारिकताओं को पूरा होने में? लगेगा, बस टाइम खत्म होने वाला, गिरफ्तारी की प्रक्रिया पे आने वाला है। सर हम लोग आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, आप भी जानते हैं कि आप खेत आपके पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सर हम लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कल को फिर कोई घटना इस तरह की होती है तो क्या कोई इंसान आपके पास जाना प्रेफर करेगा? नहीं नहीं सर, कोई ये करेगा गलत होगा तो, लेकिन आपकी बात सब सही है, लेकिन फिर भी आपका जो प्रक्रिया है वो पूरा होगा। सात महीने से पल पल रो रही हूँ, घुट रही हूँ अंदर ही अंदर, कौन सुन रहा है हमारी? नहीं आपका मेरे पास तो एक ऑप्शन, मेरे पास में वही लास्ट ऑप्शन हुआ, मेडिकल हुआ, 64 हुआ, ये सब का ही काम उसने किया। सर मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही होगा, मेरे पास लास्ट ऑप्शन फिर तो मिलता है क्या? कुछ मिलेगा ही नहीं ना। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आपको पता है ना, आप जिस चेयर पे बैठे हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं सर।
investigation. We are totally depends upon you. You just have to understand. Hello. Hello. हाँ बताएं। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। अंकिता बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बताएं। सर 164 भी हो गया, अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हाँ गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही होगी। आप बयान आपको कराएंगे उनका अपने माता और भाई का? जी सर मैंने शपथ पत्र कल का कल स्पीड पोस्ट कर दिया है, आप खुद तक आ तो वहाँ जाने दीजिए। शपथ पत्र के अलावा भी सामने आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बयान उनका भी करा दीजिए। अच्छा ठीक है। कहीं जाना चलती है।